सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मूंगफली की चिक्की कैसे बनाते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति आ रहा है और मकर संक्रांति के टाइम ये चिक्की मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है और गुड़ और मूंगफली की ये चिक्की खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं और हेल्दी होते हैं और इनको खाने के अपने बेनिफिट्स भी हैं और ऊर्जा से भरपूर होते हैं ये मूंगफली के चिक्की, इसलिए तो ये सर्दियों में ज़्यादातर खाए जाते हैं। और ये एनर्जी से भरपूर मूंगफली की चिक्कियाँ बस 7 से 8 मिनट में ही बन जाती हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कटोरी मूंगफली लिया है जिसके छिलके उतरे हुए हैं और मूंगफली के दाने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसके साथ ही मैंने लिया है 1 कटोरी गुड़ और थोड़ा सा घी भी हमें इसमें लगेगा। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए जिस तरह की मूंगफली हमें चाहिए वो मैंने कैसे बनाया है पहले मैं वो बता देती हूँ। तो पहले मैंने एक नॉर्मल सी कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मूंगफली के दाने जो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं वो लिया है। अब मैं इसको धीमी आंच पर भूनूंगी। मूंगफली को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है वरना मूंगफली की जो चिक्की बनेगी वो ख़राब हो जाएगी। मूंगफली को उसी स्टेज तक भुनना है जब वो उसमें से हल्का हल्का चटकने का जो आवाज़ है वो आने लगे और उसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए, और बस उसी स्टेज में हम गैस को बंद कर देंगे। अभी मूंगफलियों से चटकने की आवाज़ आने लगी है और मूंगफली भुन चुकी है, तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। मूंगफलियों को हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है मेरा एक साफ सूती का दुपट्टा है ये, तो किसी भी साफ सूती के कपड़े में इस मूंगफलियों को हम डाल सकते हैं। और इन मूंगफलियों को इस तरह से डाल कर मैंने इसको इस तरह से कपड़े को इस तरह से मोड़ कर और हथेली से जब इस तरह से रब करते हैं तो इसके छिलके जो है वो ईजी से उतर जाते हैं। दुपट्टे को इस तरह से मोड़कर रगड़ने से मूंगफली के छिलके जो है वो जल्दी निकल जाते हैं। देखिए, मूंगफली के जितने भी छिलके थे वो अलग हो गए हैं और मूंगफली के जो दाने हैं वो टूट भी गए हैं। तो अभी इसको मैं एक थाली में ले लूँगी और अभी भी इसमें हल्का फुल्का छिलका है ही, तो इसको मैं थोड़ा सा फटक लूँगी। आप सूप जो होता है, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है छिलके या गंदगी हटाने का, इस तरह फटक करके वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ थाली में ही इस तरह से फटक लूँगी। और ये सारे छिलके देखिए किस तरह से आगे आ गए, और इस तरह से मैंने सारे मूंगफली साफ कर लिए हैं। और अभी देखिए सारे मूंगफली के दाने एक तरफ है और सारा जो छिलका है वो एक तरफ है। अभी छिलकों को मैं फेंक दूंगी और अब मैं मूंगफली की चिक्कियां बनाना शुरू करती हूँ। तो इसके लिए मैं कढ़ाई ले लूँगी, कोई भी नॉर्मल सा कढ़ाई ले लीजिए, और उसमें मैंने जो गुड़ लिया है उस गुड़ को पहले ही मैंने तोड़ लिया है और इसको मैं कढ़ाई पर डाल दूँगी। और इसमें 1/2 चम्मच घी डालूँगी मैं अभी, और इसको मैं धीमी आँच पर मेल्ट होने दूँगी। और अभी गुड़ मेल्ट हो चुका है, तो गुड़ को मैंने लगातार चलाया है वरना ये जल जाएगा। गुड़ को पकाते वक्त हमें ध्यान रखना है, अगर गुड़ कम पकेगा तो चिक्कियाँ हमारी अच्छी नहीं बनेगी, वो दांतों में चिपकेगी, और अगर गुड़ ज़्यादा पक जाएगा या जल जाएगा तो उसमें से कड़वाहट आने लगेगी, तो उसमें भी चिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेगी। गुड़ अच्छे से पका है या नहीं उसे चेक करने के लिए हम 1 कटोरी में ठंडा पानी या नॉर्मल पानी लेकर रखेंगे और उसमें इस तरह से 1 ड्रॉप गुड़ का डालेंगे। अगर गुड़ इस तरह से खिंच जाए तभी वो नहीं पका, उसे थोड़ी देर हमें और पकाना होगा। 1 से 2 मिनट और पकाने पर
मैं इसे फिर से चेक करूंगी। गुड़ इस का ड्रॉप अगर हम जब डालें पानी में तो वो खींचना नहीं चाहिए, वो टूटना चाहिए हार्ड होकर। मैं अभी फिर से इसको चेक करूंगी, तो ये अभी भी हल्का सा खींच रहा है, तो 1-2 सेकेंड में इसको और पकाऊंगी और फिर चेक करूंगी। अभी देखिए, अभी मैं इसको इस तरह से तोड़ रही हूँ तो ये टूट रहा है, जैसे कि कोई टॉफी या कैंडी कैसे टूटती है बिल्कुल उस तरह से, और कट की आवाज़ भी आ रही है। तो बस इसी स्टेज पर हम गुड़ को पकाना बंद कर देंगे और तुरंत ही उसमें सारी मूंगफलियाँ डाल देंगे और तुरंत ही इसको अच्छे से मिलाएंगे, गैस को बंद करेंगे। और मैंने पहले ही एक प्लेट को उल्टा करके उसमें बहुत सारा घी लगा लिया है ताकि मैं उस पर इसको रख सकूं। अब एक स्पैचुला में थोड़ा सा घी लगाकर, क्योंकि ये अभी गर्म है, इस तरह से मैं फैला लूँगी और बेलन की मदद से इसको मैंने बेल लिया। बेलन में भी मैंने घी लगाकर पहले से तैयार रखा था और इस तरह से मैं इसको बेल लूँगी। जब ये गर्म ही रहे तभी इसको बेल लेना है, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम को करना है। और जब ये हल्का सा गर्म रहे तो इसमें इस तरह से चाकू से कट लगा देना है, जितने बड़े साइज़ की आपको चिक्कियाँ रखनी है। मुझे जिस साइज़ की रखनी थी मैंने उस साइज़ में इसमें चाकू से निशान लगा दिया है। जब इस तरह से आप निशान लगाएं तो एक मजबूत चाकू ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब ये ठंडा हो चुका है तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी इसके सारे पीसेस को। देखिए ये कितनी ईजिली निकल रहा है, क्योंकि मैंने प्लेट में पहले ही बहुत सारा घी लगाया था। और इसकी चमक देखिए, ये कितना चमक रहा है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। और इसमें देखिए कितना, अगर ये ना निकले तो इस तरह से हल्का सा कर सकते हैं, और ये देखिए निकल गया। इस तरह से मैं सारे टुकड़ों को निकाल लूँगी, जितने भी पीसेस थे, और परफेक्ट बने हैं मेरे मूंगफली के चिक्की। इस तरह से मैंने सारे पीसेस को निकाल लिया है, देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। और ये सारे पीसेस अभी तैयार है, आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। और ये खाने में बहुत टेस्टी है और सर्दियों में खासकर इसको खाया जाता है। गुड़ है जो कि शरीर को गर्म रखता है सर्दियों में। और देखिए कितनी अच्छी बनी है, इससे कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है कट कट की, मैं आपको सुनाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल कड़ा हो चुका है। ये चिक्कियाँ बिल्कुल बढ़िया बनी है, क्योंकि ये बिस्किट की तरह एकदम करारी है और देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।